नमस्कार, मैं आशीष पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। यूपीपीएससी का एक और नोटिफिकेशन आ चुका है जिसका सबको बहुत बेसब्री से इंतजार था कि आरओ एआरओ समीक्षा और सहायक समीक्षा अधिकारी की भर्ती कब आएगी। तो ये भर्ती आ चुकी है, अभी प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दिया गया है। जो मेन नोटिफिकेशन है आपको 9 तारीख को डिटेल नोटिफिकेशन आपका आ जाएगा। जो भी उसमें डिटेल दिया जाएगा वो तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के आपको बता दिया है कि आरओ और एआरओ के एलिजिबिलिटी क्या चाहिए, वो सब मैंने आपको अलग से एक वीडियो बनाया। लेकिन आज भी आपको बता दूंगा आपको तैयारी कैसे करना है, क्या क्या चीजें इसमें पूछी जाएंगी। तो अब आपका डेडिकेटेड एक तरह से पढ़ाई स्टार्ट हो जाना चाहिए आरओ एआरओ को लेकर, और एग्जाम आपका ऑलमोस्ट ये मान के चलिए कि 3 से 4 महीने बाद आपका करा लेगा। अगर 1 महीने इधर फॉर्म भरने में चला जाएगा तो अगर मंडे से होता है स्टार्ट, 9 तारीख से स्टार्ट होता है तो 9 नवंबर तक जाएगा, उसके बाद दिसंबर जनवरी मतलब फरवरी में आपका एग्जाम हो जाएगा इसका आरओ एआरओ का। तो जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं अपनी तैयारी को रफ्तार दे दे। यहाँ पर अगर बात करें तो देखिए यहाँ पर जो प्रेस विज्ञप्ति है साफ साफ यहाँ पर बता दिया गया है कि आपका फॉर्म कब से फिल होगा, आपको ये क्लियर दिख रहा होगा। तो यहाँ देख सकते हैं जो यूपीपीएससी की वेबसाइट है इससे आप देख सकते हैं। और एक सबसे बड़ी बात कि अगर आपने ओटीआर नहीं किया है बच्चों तो ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन जरूर कर लें। यहाँ से देखिए 9-10 से आपकी क्या हो जाएगी फॉर्म फिलअप, मतलब मंडे से ही कल से आपका फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएगा। तो ओटीआर बहुत जरूरी है। यहां पर देखिए सब कुछ दिया गया है, रिक्त जो पद है अच्छा खासा पद है और 411 पोस्ट है आरओ और एआरओ मिला के, ये समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी मिलाकर आपका 411 पद है। बहुत होते हैं और ये बढ़ भी सकते हैं, इतना भी जान लीजिए कि आगे बढ़ जाएंगे जब वैकेंसी आपकी क्लियर होगी उस टाइम तक। अगर हम बात करें आरओ के लिए भाई एलिजिबिलिटी क्या चाहिए, एजुकेशन क्या चाहिए, तो इसके लिए जो एजुकेशन चाहिए कुछ भी नहीं, सिंपल ग्रेजुएट होना चाहिए आरओ के लिए। समीक्षा अधिकारी के लिए आप ग्रेजुएशन पास होना वही बहुत होता है। हाँ, एआरओ के लिए क्या होता है आपके साथ ग्रेजुएट के साथ क्या होना चाहिए, ओ लेवल होना चाहिए, ओ लेवल होना चाहिए। अगर ओ लेवल नहीं है तो ओ लेवल के समकक्ष मैंने एक पूरी लिस्ट बना रखी है। बीटेक है आपका तो वो भी चलेगा, कोई डिप्लोमा है 1 साल का तो वो भी चलेगा। तो यहां पर बस एआरओ के लिए एक है कि ओ लेवल के समकक्ष या ओ लेवल भी चलेगा, जहां जहां जो जैसा लिखा रहेगा वो 9 तारीख को मैं पूरा आपको डिटेल बता दूंगा, ठीक है। बाकी अभी देख लेते हैं कि आपको तैयारी कैसे स्टार्ट करनी है। जो भी लोग स्लो मोशन में थे अब फास्ट मोशन में हो जाइए, समय आपके पास नहीं है, फरवरी में आपका एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा। सिलेबस क्या होता है बहुत ही आसान, अगर आपने टारगेट कर लिया ना तो 4 महीने में आप समीक्षा अधिकारी बन जाओगे और लखनऊ में आपको पोस्टिंग मिल जाएगी। यहां पर आप देखिए जो सिलेबस की अगर हम बात करें, हम प्री के टारगेट करके अभी आपको सिलेबस बता रहे हैं, मेंस को नहीं। ऑलरेडी मेरा प्री और मेंस का एक बैच हम लोग चला रहे हैं, वहां पर डेली बेसिस पे आपको प्रैक्टिस सेट नोट्स मेंस के अकॉर्डिंग भी दी जाती है, तो वो उससे भी आप ज्वाइन हो सकते हैं जिनको ज्वाइन। पहले मैं बता दूं कि अगर प्री के लिए आपके सिलेबस की बात किया जाए तो प्री का जो एग्जाम होता है पहला जो पेपर होगा आपका वो जीएस का पेपर होगा। 2 पालियों में पेपर होता है, पहला जो पेपर होता है आपका जीएस का पेपर होता है। जैसे आप देख लीजिए सिंपल सा वही सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, आपकी पॉलिटी, ज्योग्राफी, करेंट अफेयर। अगर आपने करेंट पर फोकस कर लिया, करेंट अफेयर और इकोनॉमिक्स मिलाकर आपको 30 से प्लस क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इस पे अगर आपका फोकस हो गया और हिंदी आप बहुत अच्छा कर ले गए अपना, क्योंकि हिंदी जो आता है कोई ग्रामर नहीं आता है, बेसिकली वोकैब्स बेस 60 प्रश्न आते हैं आपके, विलोम के 10 प्रश्न, वाक्य और वर्तनी शुद्धि 10, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द 10, तत्सम तद्भव 10, विशेष और विशेषण 10, पर्यायवाची शब्द 10। ये 60 क्वेश्चन में ये मैक्सिमम टारगेट सबका रहता है कि 55 प्लस हम लेके स्कोर चले, और यही होना भी चाहिए। 55 से 57 प्रश्न अगर आप यहां पे सही कर लेते हो और करेंट और इकोनॉमिक्स मिला के 30, तो 80 तो आप ऐसे ही क्रॉस कर गए, 80 प्रश्न तो आप यहां क्रॉस कर गए। बाकी आपका भूगोल, इतिहास, पॉलिटी, पॉलिटी के आपके 15 से 17 प्रश्न कहीं नहीं गए हैं,
तो ये ध्यान रखो 20 80 90 100 तो पार हो गए पॉलिटी लेकर, और 20 से 30 प्रश्न और चाहिए। आप साइंस हिस्ट्री मिला लो, रीजनिंग मैथ मिला के 10 से 15 क्वेश्चन आता है, ये बहुत आसानी से हो जाते हैं ये क्वेश्चन। तो ओवरऑल अगर आप 130 प्लस स्कोर कर जाते हो, 130 प्लस कर जाते हो, तो आप एकदम सेफ हो। क्या हो? एकदम सेफ हो, प्री आप क्वालिफाई हो जाओगे। और प्री क्वालिफाई करना, इसका मार्क्स नहीं जुड़ने वाला, मेंस के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा, ये ध्यान रखिएगा। और वहां पे एआरओ के लिए थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल जाता है, वहां टाइपिंग भी होती है, सब चीजें होती हैं। तो अभी आरओ एआरओ सबकी कट ऑफ इधर दिखा जा रहा है रिसेंट में, ऑलमोस्ट सेम जाती है। तो ये ध्यान रखिएगा, आप अगर 130 का टारगेट बना रहे हो तो आपका सिलेक्शन 130 प्लस मतलब 32-33 भी, आप ये ध्यान रखिएगा। पेपर के अकॉर्डिंग बाकी चीजें चलती हैं। तो ये आपका पेपर का फॉर्मेट होता है, 140 का जीएस आता है और 60 का आपका क्या आता है, हिंदी आता है। टोटल 200 नंबर का प्रश्न होता है, 1/3 आपका क्या होता है, निगेटिव होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब इसे जो तैयार कैसे करना है, तो आपके पास एक एकदम सीमित समय है। ठीक है, आपको बस कुछ स्ट्रेटेजिक तरीके से पढ़ोगे, क्या क्या पढ़ लिया जाए तभी सिलेक्शन होगा। तो टीम एक टारगेट बैच लॉन्च कर रही है जो खासकर आरओ एआरओ प्री स्पेशल के लिए है। तो हमारा जो बैच है उस बैच को देख लीजिए, इस बैच में हम आपको क्या दे रहे हैं, प्री और मेंस ऑलरेडी हमारा एक चल रहा है, प्री कम्स मेंस जिसको कर रहे हैं, ये आपका जो है इसमें हम लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास आपको दे रहे हैं। उसके बाद से हम आपको क्या दे रहे हैं, सभी क्लास के नोट्स दे रहे हैं। मेंस हेतु इसमें क्या है, जो भी आपके सब्जेक्टिव होते हैं ना, उसके बेसिस पर निबंध लिखना, पत्र लिखना, उसका संक्षेपण, ये सब चीजें हम यहां पर कराते हैं मेंस के अकॉर्डिंग, ये है खासियत। बाकी आपको यहां पर नोट्स तो बुकलेट मिल ही रहा है, 30 टॉपिक टेस्ट है, 10 फुल लेंथ टेस्ट इसमें भी है, बाकी जीएस और हिंदी के 1000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन है। ठीक है, और जो अगर प्री बैच अब लॉन्च किया गया, पहले प्री कम्स मेंस ही चल रहा था और ये चलेगा ऑलमोस्ट आपका मेंस तक, ये आपका जो टारगेट बनाया गया है 3 से 4 महीने का टारगेट है इसका, इसीलिए इसको टारगेट बैच बोला गया। इसमें आपको सिर्फ प्री की तैयारी कराई जाएगी और स्ट्रेटेजी बेस्ड लाइक तैयारी कराई जाएगी कि किससे आप ज्यादा स्कोर कर सकते हो। उनके नोट्स रहेंगे, मतलब लाइव क्लास रिकॉर्डेड क्लास दोनों मोड में हम क्लासेस देंगे, और आपको टॉपिक टेस्ट भी रहेगा, 10 फुल लेंथ टेस्ट भी रहेगा, और ये एमसीक्यूज पीडीएफ भी रहेगा। इन दोनों की अगर हम प्राइस देखें तो बहुत ज्यादा नहीं, अगर आप प्री कम्स मेंस लेते हो तो 1199 प्लस जीएसटी है। अगर आप सिर्फ प्री का बैच लेते हैं, सिर्फ प्री का बैच लेते हैं, तो ये प्री का जो बैच है हमारा वो आपको 592 प्लस जीएसटी ऑफर में चल रहा है, ऑलमोस्ट ये आपको 699 के अप्रोक्स में पड़ेगा। और पूरा इसमें टेस्ट सीरीज भी रहेगा, इसमें आपको वीडियो क्लास भी रहेगा और नोट्स भी रहेगा। हम पूरी पीडीएफ के फॉर्म में, ई बुक के फॉर्म में अभी ये ऑफर चल रहा है। तो आप live.parikshaplus.org या आप प्ले स्टोर से परीक्षा प्लस ऐप इंस्टॉल कर लें, परीक्षा प्लस ऐप इंस्टॉल कर लें आप, या आप live.parikshaplus.org खोलिए, वहां से मैं आप परचेस कर सकते हैं, वो मैं आपको प्रोसीजर बता दूंगा। यहां पर देखिए जो आपके ई बुक हैं, आपको कुछ ऐसे पीडीएफ के फॉर्म में दिया जाएगा, हर एक टॉपिक का आपको ई बुक दिया गया है। जैसे आपका सामान्य विज्ञान का बुक है, आपका उत्तर प्रदेश विशेष, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश विशेष आपके आरओ यारों में अच्छा खासा प्रश्न 5 से 7 प्रश्न आपका पूछता ही है, भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान, भारतीय कृषि से पूछता है, तो वो जितना टॉपिक आपको दिया उसके अकॉर्डिंग हम सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पीडीएफ नोट्स बना के देंगे, हार्ड कॉपी नहीं, पीडीएफ के फॉर्म में सॉफ्ट कॉपी रहेगा, जो आपको अवेलेबिलिटी रहेगी, जब चाहे आप उसे निकाल सकते हैं। जनसंख्या का हो गया, भारतीय इतिहास का हो गया, सामान्य हिंदी का हो गया, सामान्य बौद्धिक क्षमता जो रीजनिंग वाला पार्ट आता है वो हो गया, तो ये पूरा आपके पास नोट्स रहेगा। विश्व भूगोल हो गया, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, जो आपका एक तरह से बोला जाए करंट अफेयर का पार्ट है, तो ये आपका पूरे नोट्स रहेंगे, ई बुक के फॉर्म में रहेंगे। अगर हम नोट्स की बात करें तो आपको मैं थोड़ा सा कुछ दिखाना चाहता हूं कि हमारे नोट्स बहुत बेहतरीन तरीके से आपके प्रिपेयर किए जाते हैं। जैसे अगर मैं दिखाऊं तो यहां पर देखिए कि जो आपके नोट्स रहेंगे, आपके नोट्स तैयार ही किए जा रहे हैं टारगेट बेस बेसिस पर। जैसे मैंने आपको साइंस का नोट्स में दिखा रहा हूं,
तो ये आपके साइंस के नोट्स हैं, इसको आप देख सकते हैं। साइंस के नोट्स में आपको पूरा डिटेल में पूरा बायोलॉजी, क्योंकि जो क्वेश्चंस आपका बेसिकली पूछा जाता है आयोग के द्वारा, बायो और फिजिक्स का पोर्शन ज्यादा रहता है। तो ये पूरा नोट्स आपको देख रहे हो, एकदम स्ट्रेटेजिक जो पॉइंट है, जो यहाँ जैसे एग्जाम में पूछा है फ्लो चार्ट के माध्यम से, डायग्राम के माध्यम से, जो भी चीजें हो सकती हैं उसे आपको एकदम कम में आपको सभी फैक्ट कवर कराए गए हैं हमारे नोट्स में। तो ये आप देख सकते हैं, नोट्स बहुत विधिवत तरीके से आपको और टू दी पॉइंट, कोई भी ऐसा कचरा उल्टा सीधा नहीं मिलेगा। जो भी आपके एग्जाम पर्पस से होता है वो आपको यहां पर दिया जाएगा। अगर हम चलिए और बात कर लें, जैसे आपका ज्योग्राफी की बात कर लें, तो ज्योग्राफी भी अच्छा खासा रोल प्ले करता है। वर्ड ज्योग्राफी तो आप हम बता दें, अगर घटना चक्र का PYQ आप लगा लो, ठीक है, उसी से आपका कवर हो जाएगा। लेकिन इंडियन ज्योग्राफी में थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। तो पूरे एकदम इंडेक्स के साथ आपको इंडियन ज्योग्राफी दिया गया है, हर जगह मैप लगा के आपको समझाया गया है। मतलब जितना हो सकता है आपको टू दी पॉइंट फैक्ट बेसिस पे, क्योंकि कॉन्सेप्ट और फैक्ट दोनों मिलाकर आजकल प्रश्न बनते हैं आयोग के द्वारा। तो ये ध्यान रखिएगा, आर ओ यारों में थोड़ा फैक्चुअल चला जाता है और PCS वाले में थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल चला जाता है। तो फैक्ट को ज्यादा ध्यान में रखते हुए हमने पूरा टेबल हो गया, चाहे जो भी चीजें हो गई, उसको ये नोट्स में इंक्लूड किया गया है, ये ध्यान रखिएगा। जैसे अगर और बात करें हम आपको और नोट्स यूपी स्पेशल का आपका हम दिखा दें, तो यूपी स्पेशल के नोट्स भी आपको पूरे फैक्ट से रिलेटेड आपको मिलेंगे। हाँ, ये देखिए उत्तर प्रदेश स्पेशल का अगर मैं नोट्स दिखा दूं आपको, तो ये पूरा नोट्स आपको बनाया जा रहा है। देखिए एकदम पूरे जितने भी डिटेल आपके फैक्ट हो सकते हैं, क्योंकि 7-8 प्रश्न तो आपके कहीं नहीं गए हैं, यहां से पूछा ही जाता है आरओ यारओ में, और विद मैपिंग के साथ आपको पूरा नोट्स ये कवर कराया जाए। तो जो बच्चे इच्छुक हैं टारगेट बैच से जुड़ना चाहते हैं, तो जुड़ने का जो प्रोसीजर है वो क्या है, तो आप वेबसाइट पर जाइएगा या परीक्षा प्लस ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करिएगा। आप वेबसाइट पे जाएंगे live.parikshaplus.org, वहां पे आप जाइएगा और UPPCS का कोर्स आप सेलेक्ट करिएगा। यहां पर UPPCS में सबसे पहला जो आपको बैच दिखेगा वो टारगेट बैच दिखेगा, ठीक है। एक टारगेट बैच हम ऑलरेडी ओवर कर चुके हैं, ये हमारा दूसरा है, और एक प्री कम्स मेंस का बैच हमारा चल रहा है, वो भी आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा। देखिए प्री कम्स मेंस का बैच है, और ये जो है हमारा सिर्फ सिंपल प्री फोकस्ड रहेगा, जो आपका फैब में ऑलमोस्ट एग्जाम होने वाला है, ठीक है। तो इसको आप जब व्यू डिटेल करेंगे तो आपको यहां पे पूरी इसकी डिटेलिंग मिल जाएगी, यहां से आप परचेस कर सकते हो। जो चीजें हम आपको दे रहे हैं वो सब कुछ यहां पर लिखा हुआ है कि लाइव क्लासेस, स्टडी मटेरियल्स, आपकी प्रैक्टिस सेट, डाउट सेशन, सब कुछ होगा, और डेमो क्लासेस भी आपको मंडे से इसके मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं, रजिस्टर करना चाहते हैं, तो अभी ऑफर प्राइस चल रहा है, ऑलमोस्ट आपका ये 70-80% ऑफ चल रहा है, आप बैच ले सकते हो मात्र 699 में, ठीक है। जिन्हें भी परचेस करना है, अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप वीडियो पे कमेंट करिए, अगर आपको कोई समस्या आ रही है परचेस करने में तो आप नीचे जो नंबर चल रहे हैं आप उस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मैं नंबर बता दे रहा हूं, देखिए 9450006007 और 9129697070। बाकी एक स्ट्रेटेजी वीडियो में आपको लेकर आऊंगा कि कैसे आपको कहां से ज्यादा स्कोर करना है। सबसे बड़ी बात कि इस 3 महीने में जो अगर बोला जाए PCS का लेवल का एग्जाम है तो 6 महीने लग जाते हैं, लोग कहते हैं 6 महीने में तैयारी होती है, लेकिन अगर आप 3 महीने भी स्ट्रेटेजिक तरीके से पढ़ लेते हैं, जैसे मैंने कहा हिंदी पर फोकस हो जाइए, साइंस आप सिर्फ PYQ बेस्ड पढ़ के जाइए, पॉलिटी आप भी PYQ बेस्ड थोड़ा सा नोट्स का कॉन्सेप्चुअल पढ़ के जाइए, हिस्ट्री में मॉडर्न इंडिया को कवर करके जाइए, तो ये पार्ट ऐसा नहीं कि आप लेके रगड़े हुए हो, आपको पता नहीं कहां से क्वेश्चंस आने वाला है, तो उस हिसाब से अगर आप इस 3 महीने में डेडिकेटली अपने आप को दे देते हो तो पक्का है, श्योर एंड सर्टेन है, और वैकेंसी भी बढ़ने वाली है, तो चांसेस एकदम सर्टेनिटी के साथ हो जाता है कि आपका प्री क्वालिफाई हो जाएगा। अगर कोई समस्या आ रही है, कोई दिक्कत है आपको, तो आप वीडियो के कमेंट में बता सकते हैं। बाकी जो ARO वाले बच्चे हैं उनके पास अगर कोई भी 1 साल का कंप्यूटर का डिप्लोमा कोर्स है और अच्छी संस्था से है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आरओ के लिए कोई भी कंप्यूटर कोर्स की जरूरत नहीं है, सिंपल आप ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। तो चलिए इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं, आप सभी से फिर मुलाकात होगी 9 तारीख को जैसे ही डिटेल नोटिफिकेशन आएगा। तो चलिए आप सभी से मैं विदा लेता हूं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।